आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की, और बात सबसे पहले भारत के ड्रोन पावर की। हिंदुस्तान अपनी सैन्य ताकत को लगातार बढ़ा रहा है और इसी कड़ी में उसने ड्रोन मिसाइल समेत कई आधुनिक हथियार देश में ही तैयार किए हैं। अब इसमें नया नाम जुड़ गया है, वो ड्रोन का है, जिसका नाम है तपस, जो एक अत्याधुनिक मानव रहित विमान है। डीआरडीओ की ओर से बताया गया है कि इस नए ड्रोन का परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में सफलतापूर्वक किया गया और इसे भारतीय सेना की जागरूक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जो अगले साल के अंत तक भारत की सेना को सौंप दिया जाएगा। एक हजार किलोमीटर की रेंज, 224 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, इसके हमले से दुश्मन का बच पाना है नामुमकिन। ये है हिंदुस्तान का नया योद्धा तपस, जो एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी यूएवी है, जिसका सफल परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में सफलतापूर्वक किया गया। इस टेस्ट के दौरान ये सभी पैमानों पर खरा उतरा। तपस ड्रोन की सफल उड़ान ये बताती है कि हिंदुस्तान भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तेजी से अपनी सैन्य ताकत में इजाफा कर रहा है, यानी सेना के तीनों अंगों को हाईटेक हथियारों से लैस किया जा रहा है, चाहे मिसाइलें हों, टैंक हो, पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान हो या फिर नए जंगी जहाज हो। खास बात यह है कि इन सभी का निर्माण भारत में ही किया जा रहा है, यानी रक्षा के क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्वदेशी। तपस ड्रोन का सफल परीक्षण भी भारतीय वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जिसे सेना की जरूरतों को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया है। भारत के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा है, क्योंकि इंडिया में बनाया जा रहा तपस 201, जिसको पहले रुस्तम 2 के नाम से जाना जाता था, वो एक MALE यानी कि मेल ड्रोन है। मेल की फुल फॉर्म होती है मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन, यानी कि ये लंबी दूरी लंबी ऊंचाई पर उड़ सकता है, मीडियम टू लॉन्ग रेंज इसकी ऊंचाई होती है, और ये कई घंटों तक हवा में रह सकता है, इसे बार बार नीचे आने की जरूरत नहीं होती। उसकी टेस्टिंग पूरी हो चुकी है चित्रदुर्गा एरोनॉटिकल बेस है कर्नाटका में, जहां पे इसकी टेस्टिंग की गई। 18 घंटे तक हमारा तपस 201 हवा में रहा, जितने भी मिशन उसके थे, जितने भी टेस्टिंग उसकी थी, उसे तपस 201 ने पूरी तरह से पूरी सक्सेसफुली जितने भी पैरामीटर्स हैं उन सभी पर टिक मार्क लगाते हुए वो टेस्ट जो फ्लाइट थी वो पूरी की है, और 18 घंटे तक वो हवा में रहा। निगरानी और हमला करने की खूबी रखने वाले इस ड्रोन को सेना के लिए रिसर्च करने वाली संस्था DRDO की प्रमुख रिसर्च लेबोरेटरी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी ADE ने डिजाइन और विकसित किया है। बताया जा रहा है कि तीनों सेनाओं ने मिलकर 76 तपस ड्रोन की मांग की है। इनमें 60 ड्रोन्स इंडियन आर्मी को मिलेंगे और 12 भारतीय वायुसेना को, जबकि 4 ड्रोन्स इंडियन नेवी के पास भेजे जाएंगे। माना जा रहा है कि अगले साल के अंत तक ये ड्रोन्स सेना के तीनों अंगों को सौंप दिए जाएंगे, जिसके बाद चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों की हरकतों पर निगरानी रखना और आसान हो जाएगा। UAVs यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी कि ड्रोन्स। ड्रोन्स एक ऐसा हथियार पिछले एक दशक में उभर कर आए हैं, जिनको लेकर हर देश एक तरह से प्रोडक्शन डेवलपमेंट के फेज में है। हर कोई चाहता है कि उनके पास अच्छे से अच्छा UAV हो, अच्छे से अच्छा ड्रोन हो, ताकि न सिर्फ जंग बल्कि किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में, किसी भी तरह की जंग में, किसी भी छोटी मोटी लड़ाई में भी UAVs का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा जानें बचाई जा सके। और इसी संदर्भ में इंडिया की, भारत की ट्राई सर्विसेज यानी कि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी तीनों ही इसका इस्तेमाल करेंगे, और न सिर्फ ये तीनों आर्म विंग्स बल्कि जो जितनी भी इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेज है, CRPF की बात की जाए, BSF की बात की जाए, ITBP की बात की जाए, SSB की बात की जाए, ये सभी के सभी, या फिर पुलिस फोर्सेज की बात की जाए, ये सभी भी इच्छुक है कि आगे आने वाले भविष्य में जब इसका सीरियल प्रोडक्शन शुरू होगा तो इस ड्रोन का इस्तेमाल करके हमारा जो सुरक्षा तंत्र है उसे मजबूत किया जा सकता है।
कुछ रोज पहले ही नौसेना दिवस के मौके पर ये गुड न्यूज भी सामने आई थी कि भारत अमेरिका से 30 MQ-9B रीपर ड्रोन खरीद रहा है। लेकिन खास बात ये है कि भारत में बना ये तपस ड्रोन विदेशों से खरीदे गए ड्रोन से करीब 8 गुना सस्ता है और दुश्मन के खिलाफ किसी भी तरह के ऑपरेशन को करने के लिए इसे बेहद कारगर बताया जा रहा है। यानी ये ड्रोन आने वाले समय में बिना पायलट के चलने वाले विमानों के विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। अक्षय डोंगरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वो कहते हैं ना कि अस्वीकृति ही कुछ नया और बड़ा करने की प्रेरणा देती है। कुछ महीने पहले टर्की ने भारत को अपना वायतार TB2 ड्रोन बेचने से मना कर दिया था। तब इस ड्रोन को बनाने वाली टर्की की डिफेंस कंपनी बायकर ने किसी युद्ध से नहीं कमाने या किसी तरह के संघर्ष शामिल दोनों ही पक्षों को हथियार नहीं बेचने की दुहाई दी थी। इसके बाद भी टर्की ने भारत की जगह पाकिस्तान को ये ड्रोन देने के लिए चुना था, ये जानते समझते हुए भी कि हमारे खिलाफ आतंकी साजिश तक रच सकता है पाकिस्तान। भारत के खिलाफ इस घातक और खतरनाक हथियार का इस्तेमाल करने से पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चूकेगा। अब भारत ने अपने इसी स्वदेशी ड्रोन से टर्की को भी जवाब दिया है। यानी तपस ड्रोन टर्की के बायतार TB2 ड्रोन का ही हिंदुस्तानी जवाब है। सर्वलांस और हमले तक के लिए इस्तेमाल होने वाले तपस जैसे ड्रोन की मौजूदगी के बाद अब भारत को ड्रोन तकनीक में सक्षम किसी भी देश से ड्रोन खरीदने की जरूरत नहीं होगी। आधुनिक तकनीक से लैस तपस ड्रोन यानी कि हिंदुस्तान का नया हवाई योद्धा अपनी क्षमताओं के आधार पर पूरी दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाएगा। संस्कृत से लिए गए नाम तपस में ही इस ड्रोन की काबिलियत छिपी है। तपस का मतलब होता है गर्मी। तपस एक मेल ड्रोन है जिसका मतलब मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है। DRDO की तरफ से बनाए गए तपस की लंबाई 31.2 फीट और चौड़ाई 67.7 फीट है। एक बार में ये 350 किलो तक पेलोड ले सकता है। तपस ड्रोन 224 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। एक बार टेक ऑफ करने के बाद ये 1000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। ये लगातार 24 घंटे तक उड़ान भरने की क्षमता भी रखता है। इस दौरान तपस ड्रोन अधिकतम 35,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है और निगरानी के लिए इसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरे भी लगाए गए हैं। इंफ्रारेड कैमरे की मदद से ये रात में भी निगरानी कर सकता है। तपस ड्रोन निगरानी के साथ ही हमला करने में भी सक्षम है। कम ऊंचाई पर उड़ते हुए ये हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल से हमला कर सकता है। इसकी वजह से पलक झपकते ही टारगेट को ध्वस्त किया जा सकता है और इसमें टारगेट की पहचान के लिए लेजर तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। अगर टारगेट तय कर दिया जाए तो ये लेजर बीम डालकर उसे रोशन करता है, जिसके बाद लेजर गाइडेड मिसाइल या फाइटर जेट से हमला किया जा सकता है। तपस ड्रोन खुद ही टेक ऑफ और लैंड भी कर सकता है। इस घातक और खतरनाक ड्रोन में 3 ब्लेड वाले प्रोपेलर्स लगे हुए हैं जो इसे उड़ाने की ताकत देते हैं। फिलहाल तीनों सेनाओं ने 76 तपस ड्रोन की मांग की है और माना यह जा रहा है कि अगले साल के अंत तक ये ड्रोन्स तीनों ही भारतीय सेनाओं को मिल जाएंगे। ऐसा हो जाने के बाद तीनों सेनाओं को सरहद की सुरक्षा और आतंकियों को ढेर करने के लिए अमेरिकी और इजरायली ड्रोन्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तपस ड्रोन के जरिए ही जासूसी, निगरानी और जरूरत पड़ने पर हमला भी किया जा सकता है और इसके इस्तेमाल के बाद DRDO का ये ड्रोन हिंद की ताकत में और इजाफा करेगा। मेक इन इंडिया के तहत भारत में निर्मित तपस ड्रोन का सक्सेसफुल परीक्षण बेंगलोर के पास किया गया। परीक्षण के दौरान यह ड्रोन लगातार 18 घंटे तक आसमान में उड़ रहा था। इस ड्रोन में जरूरत के मुताबिक 350 केजी का वेपन लोड यानी हवा से जमीन पर मार करने वाली लेजर गाइडेड मिसाइल या हवा से जमीन पर मार करने वाली लेजर गाइडेड बॉम्ब्स को ले जा सकेंगे। इस ड्रोन का इस्तेमाल टैक्टिकल एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म के हिसाब से किया जाएगा और जरूरत के मुताबिक इससे एरियल रिकॉग्निशंस भी कर पाएंगे। यह एक मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है और इसको
ADE, BEL तथा HAL ने मिलकर बनाया है। ट्रायल के दौरान इसकी रेंज 1000 किलोमीटर स्थापित की गई है। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस सिस्टम लगाया जाएगा वो शत्रु के रडार को और शत्रु के फायर कंट्रोल रडार को दूर से ही भांप सकेगा और जरूरत के मुताबिक उसको जैम भी कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं दक्षिण भारत का, जहां के 3 राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी पर चक्रवाती तूफान मैंडीज का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक इस चक्रवाती तूफान के आज आधी रात के आसपास महाबलीपुरम के पास तमिलनाडु तट से टकराने की संभावना है। आशंका ये जताई जा रही है कि जिस वक्त तूफान मैंडीज का लैंडफॉल होगा उस वक्त 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है। इस तूफान की तीव्रता को देखते हुए NDRF, SDRF और कोस्ट गार्ड समेत तमाम सरकारी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। इस चक्रवाती तूफान को मैंडीज नाम संयुक्त अरब अमीरात ने दिया है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है खजाना। आसमान पर काले घने बादल और नीचे समुद्र की लहरों का रौद्र रूप। कुदरत के इस कहर का सामना इस वक्त दक्षिण भारत के 3 राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी को करना पड़ रहा है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में बना चक्रवात मैंडीज गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो चुका है, जिसके असर से तेज हवाओं के साथ साथ जोरदार बारिश का दौर इन दिनों राज्यों में शुरू हो चुका है। मगर इस मैंडीज तूफान का सबसे ज्यादा असर तमिलनाडु में देखने को मिल रहा है। वहां के अलग अलग इलाकों से आई ये तस्वीरें भी इस बात की गवाही दे रही हैं। अभी हम कासीमेड फिशरमैन पोर्ट पे हैं और ये चेन्नई का इंपॉर्टेंट पोर्ट है, और जो देख रहे हैं बीच में वहां पे वो है बे ऑफ बंगाल। अभी साइक्लोन मैंडीज यहाँ से चेन्नई से 200 किलोमीटर दूर पे है और अभी यहाँ पे ये सी तो बहुत ही रफ है, इसीलिए फिशरमैन को सी के अंदर जाने के लिए मना किया हुआ है। हालात को देखते हुए पुलिस ने समुद्र किनारे पेट्रोलिंग बढ़ा दी है, जो लगातार लोगों को समुद्र से दूर रहने की हिदायत दे रही है। साथ ही मछुआरों को भी समुद्र में न जाने के लिए कहा गया है। जबकि रेड अलर्ट को देखते हुए तीनों ही राज्यों के कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। आज के दिन के लिए 28 डिस्ट्रिक्ट्स चेन्नई और तमिलनाडु पे स्कूल्स और कॉलेजेस को हॉलीडे डिक्लेयर हुआ है, और ये मंडोस जो अभी यहाँ पे है 200 किलोमीटर दूर पे ऐसा ही वो आ रहा है, 70 किलोमीटर स्पीड पे अभी वो लैंडफॉल करेगा और गस्ट विंड का स्पीड तो बहुत ही ज्यादा होगा 85 किलोमीटर, इसीलिए यहाँ पे बे ऑफ बंगाल बहुत ही रफ है। मौसम विभाग लगातार इस चक्रवाती तूफान की चाल पर नजर बनाए हुए है। संभावना जताई जा रही है कि मैंडीज तूफान आज आधी रात के करीब महाबलीपुरम के पास लैंडफॉल करेगा। उस वक्त हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रह सकती है और मूसलाधार भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। हालांकि लैंडफॉल से पहले ही चेन्नई समेत कई इलाकों में जोरदार बारिश से सड़कें नहरों में तब्दील हो चुकी हैं, जिन पर चलना लोगों के लिए दूभर हो गया है। सबसे ज्यादा खराब हालात चेन्नई के निचले इलाकों में देखने को मिल रहे हैं। तमिलनाडु एक हाई अलर्ट पर है क्योंकि बारिश होने वाला है साइक्लोन मैंडीज की वजह से। मेट डिपार्टमेंट ने कहा है स्टेट में बहुत तेज बारिश होने वाला है, और आज चेन्नई में सुबह से थोड़ा ज्यादा रेनफॉल हो रही है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त चेन्नई की मडिपक्कम एरिया में हूँ, और इधर रोड्स में, स्ट्रीट्स में बहुत बारिश होने की वजह से वाटर लॉगिंग हुआ है। और इस एरिया की एंट्रेंस पर इतना प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उधर सारी बिल्डिंग्स थोड़ा हाइट पर है, बट इधर ऐसा नहीं है क्योंकि बिल्डिंग्स थोड़ा लो लेवल पर है, इसीलिए बहुत मुश्किल हो रही है इधर की लोगों के लिए। मैंडीज आज रात, आज मिडनाइट को लैंडफॉल होगा, मैंडीज की लैंडफॉल होगा आज मिडनाइट को मामल्लपुरम में, वो पुदुचेरी और श्रीहरिकोटा के बीच में मामल्लपुरम है, वो महाबलीपुरम के पास ही है, मामल्लपुरम में होगा साइक्लोन मैंडीज की लैंडफॉल। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को उत्तर तमिलनाडु,
रायलसीमा और दक्षिण आंध्र प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश होने के आसार हैं, जबकि 11 दिसंबर को उत्तर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके, रायलसीमा, केरल और दक्षिण कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश की आशंका है, जिसे देखते हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और कोस्ट गार्ड समेत तमाम सरकारी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन लोगों की मदद की जा सके। हम अभी तमिलनाडु स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स के कैंप में हैं, ये महाबलीपुरम में है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई सारे इक्विपमेंट्स रेडी में रखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाउड स्पीकर्स, सॉ कटर्स और लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय और स्ट्रेचर्स एंड लाइफ बोट, ये सारे चीजें यहाँ पे तैयारी निले में है और ये सारे चीजें अगर कोई इमरजेंसी होता है तो यहाँ के जो 42 जो TNSDRF लोग है वो तुरंत यहाँ से जो इमरजेंसी स्पॉट है वहां पे जाके लोगों के लिए मदद करने के लिए पूरी तैयारी में है। और यहाँ पे हम ये भी बोला गया है कि हर एक 15 किलोमीटर्स में 3 टीमों को यहाँ पे शामिल किया गया है और ये 3 टीम सबसे बड़ा अलर्ट में है। और आज साइक्लोन मैंडस तमिलनाडु के महाबलीपुरम जो जगह है, हम यहाँ पे हैं अभी, वहाँ पे लैंडफॉल करने वाले हैं, तो आज रात को या कल सुबह तक लैंडफॉल का तैयारियाँ है। राहत की बात ये है कि मौसम विभाग के सटीक अनुमान के चलते काफी हद तक इस तूफान से निपटने की पुख्ता तैयारी तीनों ही राज्यों ने कर ली है। तमिलनाडु से प्रमोद माधव और शिबीमोल केजी के साथ अक्षयनाथ, गुड न्यूज टुडे। कहा जा रहा है कि तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान मैंडूस का सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। अब ऐसे में वहां एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां से तूफान का सामना करने वाले इलाकों की निगरानी की जा रही है। हमारी सहयोगी शिबीमोल की ये रिपोर्ट देखिए। चेन्नई में स्टेट इमरजेंसी सेंटर के अंदर एक कंट्रोल रूम सेट किया गया है जहां से स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज विंड का, साइक्लोन मैंडूस की मूवमेंट चेक कर रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे स्क्रीन्स लगा के, बहुत सारे ऑफिशियल्स बैठ के हर एक स्क्रीन को मॉनिटर कर रही है। जैसे आप देख सकते हैं राइट साइड में एक स्क्रीन है, उसमें लाइव मूवमेंट, विंड की लाइव मूवमेंट मॉनिटर कर रही है और नीचे आप एक टाइम लाइन भी देख सकते हैं, उसमें टाइम भी रिकॉर्ड हो रही है। जिस टाइम में विंड कहाँ है, इस टाइम में विंड कहाँ है वो रिकॉर्ड हो रही है, लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है। और ये दो दिन और के लिए ऐसा मॉनिटर करेंगी यहाँ की ऑफिशियल्स। और उसके बाद आप देख सकते हैं एक और स्क्रीन है जिसमें रेडार इमेज, विंड का रेडार इमेज, जैसे ही विंड मूवमेंट रेडार इमेज में वो भी मॉनिटर कर रही है। बहुत सारे वो स्पेसिफिक स्क्रीन मॉनिटर करने के लिए बहुत सारे ऑफिशियल्स हैं। और इस तरफ आप देख सकते हैं बहुत सारे स्क्रीन्स एक अटैच्ड करके, बहुत सारे स्क्रीन साथ में रखा है, उनमें से ऊपर वाले स्क्रीन में रेनफॉल वार्निंग और विंड वार्निंग साइमल्टेनियसली, एक दूसरे एक साइड में रेनफॉल वार्निंग और दूसरी साइड में विंड वार्निंग लगाया गया है। और उनमें से आप देख सकते हैं ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड जैसे वार्निंग्स और अलर्ट का भी ट्रैक कर सकती हूँ ऑफिशियल्स बैठ के, रेनफॉल किस किस डिस्ट्रिक्ट में है वार्निंग और विंड का वार्निंग कैसा है डिस्ट्रिक्ट्स में, ये मॉनिटर कर रही है। और नीचे ग्रेटर चेन्नई का रेलवे रेनफॉल स्टेशन का रेनफॉल लेवल कितना है, स्टेशन में, रेनफॉल स्टेशन में जो भी रेनफॉल स्टेशन है उधर कितना रेनफॉल मिल रहा है, अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल कितना है वो चेक कर रहे हैं। और इस उनके पास ही एक और स्क्रीन है, उधर पूरी स्टेट, पूरी तमिलनाडु स्टेट की रेनफॉल स्टेशन का रेनफॉल अमाउंट कितना है सारे रेनफॉल स्टेशन में, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है। ज्यादा रेनफॉल कहाँ मिल रहा है वो स्टेशन ऊपर और सबसे कम कहाँ है वो नीचे, ऐसा करके रखा है। और एंड में आप एक स्क्रीन देख सकते हो उधर अभी आपको पता है साइक्लोन मैंडूस की वजह से बहुत सारे एनडीआरएफ पर्सनल और पुलिस को डिप्लॉय किया है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पे भी स्ट्रिक्ट सीरियस वार्निंग है और वो उनका नंबर भी ऑफिशियल्स ट्रैक कर सकती है। तो तूफान को देखते हुए तीनों ही राज्यों के कई जिलों के लोगों को अब राहत शिविरों तक पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में एक राहत शिविर का जायजा लिया मेरे सहयोगी अक्षनाथ ने। हम
हम अभी महाबलीपुरम के एक रिलीफ कैंप में हैं और यहाँ पे लगभग 31 फैमिलीज के लोग मौजूद हैं। उन लोगों में 80 और पीपल यहाँ पे असेंबल हो गया है और उनके जो मेकशिफ्ट घरे थे महाबलीपुरम के शोर के किनारे में जो थे वो बारिश के और रफ सी के वजह से खराब हो गया है और उसके वजह से ये लोग यहाँ पे आ गए हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कई सारे फैसिलिटीज गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड किया है, जैसे कि पानी, फूड और यहाँ पे एक मेडिकल टीम भी असेंबल किया गया है। इस मेडिकल टीम यहाँ के जो लोग आते हुए हैं उन लोगों को चेक करके जो भी उनको बेसिक मेडिसिन चाहिए वो सारे डिस्पर्स कर रहे हैं। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो लोग यहाँ पे मौजूद है वो बोल रहे हैं कि कई सारे लोग कई ईयर से बहुत ही तकलीफ में है और ये बोल रहे हैं कि उनके लिए बेसिक एमिनिटीज, बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, उनके पास एक आधार या रेशन कार्ड या वोटर आईडी नहीं है। और ये लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जब साइक्लोन या कुछ हैवी बारिश होता है सिर्फ उस टाइम को इन लोगों को नोटिस किया जाता है। और उनके एक ही निवेदना है गवर्नमेंट से कि उनके लिए जो बेसिक राइट्स है वो है आधार, रेशन कार्ड और वोटर आईडी, वो उनके लिए मिलने के लिए तैयारी करे और एक प्रॉपर पक्का हाउसेज उनके लिए दिया गए, क्योंकि अभी ये लोग मेकशिफ्ट घरे में रह रहे हैं और वो स्ट्रांग नहीं है और उनके लिए पानी नहीं है और बारिश और खाने के लिए प्रॉपर फूड नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। और अभी ये सारे चीज़ें ठीक करने के लिए गवर्नमेंट पूरे कोशिश करने के लिए इन लोग या गवर्नमेंट को निवेदना भी कर रहे हैं। अच्छी और सच्ची खबरों में बात काशी की। महादेव के धाम के पुनर्निर्माण के रूप में काशी की भव्यता बढ़ाने वाले श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के लोकार्पण की कल पहली वर्षगांठ है। इसे यादगार बनाने के लिए मंदिर प्रशासन की ओर से खास तैयारी की गई है और इस मौके पर एक तरफ परिसर में वेद मंत्र गूंजेंगे तो वहीं दूसरी ओर काशी की शाम भजनों से रोशन होगी। इस लम्हे का हिस्सा बनने के लिए देश और दुनिया से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचना शुरू हो गए हैं। वैसे तो काशी पर बाबा विश्वनाथ की कृपा अनंत है, अपार है। कहते हैं काशी ही शिव है और शिव ही काशी है। काशी में जो जीवंतता है वो आशीर्वाद बनकर भक्तों पर बरसती है। काशी का ये जीवत्व जिस पहचान से जुड़ता है वो है बाबा विश्वनाथ का ये धाम। बाबा का ये धाम काशी की आत्मा है। एक साल पहले काशी के इस तीर्थ की काया बदली थी और इस कॉरिडोर ने बाबा के धाम को दिव्य और भव्य विस्तार दिया था। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का यह भव्य रूप अब काशी की नई पहचान है। आध्यात्मिक चेतना का तीर्थ एक साल बाद अपनी दिव्य पहचान के साथ शिव की शक्ति और शिव की साधना के नए अध्याय के साथ दुनिया के सामने है। करीब एक साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को समर्पित किया था। आज एक साल बाद ये कॉरिडोर काशी की भव्यता की नई पहचान है। एक साल बाद महादेव के धाम के पुनर्निर्माण को भव्य स्वरूप में मनाने की तैयारी की जा रही है। इस अवसर पर काशीवासियों और महादेव के भक्तों को भक्ति और संगीत की सौगात मिलेगी। एक तरफ परिसर में वेद मंत्र गूंजेंगे तो दूसरी ओर काशी की शाम भजन से रोशन होगी। पिछले साल 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने काशी कॉरिडोर का लोकार्पण किया था। ऐसे में काशी विश्वनाथ धाम प्रशासन सुबह से लेकर रात तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। इस वार्षिक समारोह बाबा विश्वनाथ धाम कॉरिडोर को मनाने के लिए पूरी काशी तहे दिल से स्वागत के लिए खड़ी है। पूरे काशीवासी इसको भव्यता और दिव्यता के साथ मनाने जा रहे हैं, जिससे काशी की जनता के अंदर बहुत बड़ा उत्साह है और पूरे उत्साह के साथ भगवान शिव की वरात, शोभा यात्रा, तमाम विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा संगोष्ठियों का भी आयोजन परिसर धाम में किया जाएगा। इस कॉरिडोर के बन जाने से न केवल बाबा के तीर्थ को नई पहचान मिली है बल्कि यहां दर्शन का आनंद भी कई गुना बढ़ गया है। पहले भक्तों को तंगलियों से होकर बाबा के धाम तक पहुंचना होता था, लेकिन कॉरिडोर बन जाने के बाद बाबा के धाम का रास्ता भव्य और दिव्य नजर आने लगा है। काशी में श्रद्धालु और पर्यटकों की संख्या बढ़ने में भी इस कॉरिडोर ने अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसे में कॉरिडोर के एक साल की यात्रा पूरे होने का उत्सव भव्य होने वाला है। शिल्पी सिंह के साथ रोशन जायसवाल, गुड न्यूज टुडे, वाराणसी। और काशी कॉरिडोर के एक साल पूरा होने के मौके पर बाबा विश्वनाथ की नगरी में क्या कुछ होने जा रहा है, देखिए मेरे सहयोगी रौनक जायसवाल की रिपोर्ट।
धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी हमेशा से ही शिवमय दिखाई देती है, चाहे वह पर्व शिवरात्रि का हो, चाहे महाभर चलने वाला सावन का महीना हो। लेकिन अब इस परंपरा में एक नई कड़ी काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के रूप में जुड़ने जा रही है और 13 दिसंबर की वह तारीख होगी जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर या विश्वनाथ धाम में पूरे दिन भव्य आयोजन होते रहेंगे। शुरुआत इसकी काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में सुबह के वक्त वेद ऋचाओं से होगी, फिर पूरे दिन यहाँ पर यज्ञ हवन और पूजन का कार्य होगा। उसके अलावा जो भी यहाँ पर संत महात्मा और धर्म के ज्ञाता आएंगे उनकी गोष्ठियाँ भी चलेंगी और फिर रात के वक्त मशहूर पार्श्व गायिका अनुराधा पौडवाल का भजन संध्या का भी आयोजन किया जाएगा। खास बात यह है कि इस पूरे कार्यक्रम में शरीक होने के लिए काशीवासियों को आमंत्रित किया गया है और न केवल काशीवासी बल्कि उस दिन आने वाले देश और दुनिया के तमाम शिव भक्त भी इस पूरे कार्यक्रम में शरीक होंगे और इस बड़े भव्य आयोजन के गवाह भी बनेंगे। इसके अलावा मंदिर के इस आयोजन के इतर काशीवासी बनारस की गलियों और सड़कों पर शिव बारात भी निकालेंगे। हालांकि यह परंपरा शिव बारात की शिवरात्रि पर ही निकालने की है, लेकिन 13 दिसंबर भी का दिन कम नहीं होगा और शिवरात्रि के ही तर्ज पर बनारस की सड़कों पर शिव बारात भी निकाली जाएगी। तो पूरी की पूरी काशी नगरी 13 दिसंबर का दिन, जिस दिन इस कॉरिडोर का और विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हुआ था पीएम मोदी के हाथों, उसकी वर्षगांठ बनाएगा। सांसों के संकट पर पूर्ण विराम लगाने की तैयारी चल रही है। केंद्र सरकार देश को प्रदूषण फ्री करने के लिए प्लान बना रही है जिस पर मिशन मोड पर काम किया जा रहा है। आज हमारे सहयोगी शैल आज तक एजेंडा मंच पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश को प्रदूषण मुक्त करने का संकल्प लिया। दिल्ली ये बहुत बेकार पोल्यूटेड सिटी है, पोल्यूशन है, हमारा लाइफ कम कर रहा है। मैं दिल्ली के प्रदूषण को 5 साल के अंदर समाप्त करना चाहता हूँ। पोल्यूशन फ्री इंडिया, ये प्रण है देश को प्रदूषण से मुक्त करने का। ये आगाज है राजधानी से धुएं के गुब्बार को खत्म करने का। मैं दिल्ली के प्रदूषण को 5 साल के अंदर समाप्त करना चाहता हूँ। एजेंडा आज तक के मंच पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे तो दिल्ली के प्रदूषण को लेकर चिंता जाहिर की, राजधानी को बहुत बेकार प्रदूषित शहर बताया। दिल्ली ये बहुत बेकार पोल्यूटेड सिटी है, इतना पोल्यूशन है कि अपने मेरा ठीक नहीं, पर ये जो पोल्यूशन है हमारा लाइफ कम कर रहा है। मैं दिल्ली के प्रदूषण को 5 साल के अंदर समाप्त करना चाहता हूँ। यमुना के ऊपर मैं वाटर रिसोर्सेज मंत्री था, मैंने दिल्ली की सरकार को 6,000 करोड़ रुपए दिए। मैं दिल्ली के आजू बाजू में 60,000 करोड़ के रोड बना रहा हूँ ताकि दिल्ली का पोल्यूशन खत्म हो। दिल्ली में पेट्रोल डीजल के बजाय इथेनॉल फ्यूल आए, इलेक्ट्रिक आए, ग्रीन हाइड्रोजन आए, इलेक्ट्रिक बस। अभी मुंबई में मैंने डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस लॉन्च की, इलेक्ट्रिक एयर कंडीशन बसेस लॉन्च की। तो मुझे यही लगता है कि दिल्ली को प्रदूषण से, एयर प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, मेरा और एक एजेंडा है। हॉर्न जो बजता है ना, तो मैं बांसुरी, तबला और माउथ ऑर्गन का आवाज चलेंगे, बांसुरी और तबले की आवाज आती रहेगी, मधुर आवाज आनी चाहिए। साउंड का भी पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, एयर का भी पोल्यूशन नहीं होना चाहिए और जल का भी प्रदूषण नहीं होना चाहिए। दिल्ली प्रदूषण से मुक्त होना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। दरअसल दिल्ली NCR में प्रदूषण की समस्या गंभीर होती जा रही है। हवा की क्वालिटी बताने वाला AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो 100 से कम होना चाहिए, दिल्ली में आमतौर पर 300 के पार ही रहता है और हर साल सर्दियों की आमद के साथ ही दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बद से बदतर हो जाता है। नौबत ये होती है कि राजधानी में सांसों का संकट काल शुरू हो जाता है और यही वजह है कि केंद्र सरकार राजधानी के बढ़ते प्रदूषण पर ब्रेक लगाना चाहती है। प्रदूषण है, इसको देश से निकालना चाहता हूं। हमारा देश इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस बने। राजधानी में सबसे ज्यादा प्रदूषण उद्योग और ट्रांसपोर्ट के कारण होता है। इसके अलावा पराली की वजह से यहाँ की हवा दूषित हो जाती है।
हमारे देश को, क्योंकि मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं और देश का 35-40% पोल्यूशन रोड के कारण होता है, पेट्रोल डीजल फॉसिल फ्यूल के कारण होता है, इस देश को जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति देनी है। जल प्रदूषण तो मेरे हाथ में नहीं, अभी मैं पहले वाटर रिसोर्स मंत्री था, पर ट्रांसपोर्ट मंत्री के नाते ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण को मुक्ति देने के लिए मैं अपनी तरफ से एक साल का टारगेट मैंने तय किया है। देखिए, दिल्ली को कठिन काम है, पर जो 60,000 करोड़ के रोड बन जाएंगे उसके बाद दिल्ली का ट्रैफिक जाम भी खत्म हो जाएगा और दिल्ली का प्रदूषण भी कम होगा और दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसेस, इथेनॉल, फ्लेक्स इंजन आकर दिल्ली सहित हमारा देश प्रदूषण से मुक्ति हो, यही मेरा संकल्प है और इसके लिए मैं काम करूंगा। लंबे समय से प्रदूषित हवा में रह रहे दिल्ली के लोगों की सेहत पर प्रदूषण का सबसे खतरनाक असर पड़ रहा है। पोल्यूशन की वजह से अस्थमा, सांस से जुड़ी दूसरे गंभीर रोग, स्ट्रोक, दिल की बीमारियां, फेफड़ों का कैंसर और सांस की नली में इन्फेक्शन का खतरा कई गुना बढ़ता जा रहा है। इन सभी परेशानियों को जड़ से खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने प्लान तैयार किया है और इस मिशन का नाम है पोल्यूशन फ्री इंडिया, जिसे आने वाले 5 साल में पूरा करने का दावा किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश की राजधानी दिल्ली ज्यादातर समय गैस चैम्बर की तरह ही रहती है, जहां सांस लेना बेहद खतरनाक हो जाता है। इतना ही नहीं, ज्यादातर समय हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी रहती है और इस प्रदूषण में अहम रोल निभाता है दिल्ली का ट्रैफिक और राजधानी की सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां। यानी कहा जा सकता है कि वाहनों की वजह से दिल्ली की हवा दूषित हो रही है। दरअसल गाड़ी कुछ मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन करती है, जिससे वायु प्रदूषण होता है और जब आप वाहन की स्पीड एकदम स्लो करके तेज करते हैं तो आपकी कार कार्बन ज्यादा छोड़ती है। इसके अलावा जिस इलाके में बहुत ज्यादा वाहनों का आवागमन होता है वहां प्रदूषण का स्तर ज्यादा होता है। IIT कानपुर की एक रिसर्च में सामने आया है कि वाहनों का प्रदूषण केवल 9-10% तक है, जबकि बाकी अन्य वजहों से ही प्रदूषण फैलता है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट यानी CSE की रिपोर्ट में दिल्ली के प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह वाहनों को बताया गया है। हाल ही में राजधानी में 21 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक बढ़े प्रदूषण स्तर पर रिसर्च की गई, जिसमें पाया गया कि दिल्ली में प्रदूषण की बड़ी वजह वाहन है, जिसमें आधे से ज्यादा यानी कि लगभग 51% योगदान गाड़ियों का रहा है। NCR से दिल्ली पहुंचने वाली गाड़ियों से करीब 17% प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। एक रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि 10 साल पुरानी कार 204 गुना ज्यादा धुआं उत्सर्जित करती है। पेट्रोल वाहनों से वायु प्रदूषण के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है और डीजल वाहनों से नाइट्रोजन के ऑक्साइड, धुआं, सूक्ष्म कण, एल्डिहाइड और गंधक का उत्सर्जन होता है। दरअसल ये कण शरीर में जाने पर खतरनाक साबित हो सकते हैं और यही वजह है कि पेट्रोल डीजल की कार खत्म करने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर ज्यादा जोर दे रही है, जो जेब के लिए तो किफायती है ही, साथ ही गाड़ियां पर्यावरण के अनुकूल होंगी, जिससे प्रदूषण बिल्कुल नहीं होगा। ई कार और बाइक से किसी भी प्रकार का धुआं या फिर गैस नहीं निकलता, जिसके कारण ये पर्यावरण के लिहाज से काफी लाभदायक साबित हो सकता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वो दिल्ली को 5 साल में वायु प्रदूषण से मुक्ति दिलाना चाहते हैं और उनका सपना है कि भारत एक वायु प्रदूषण मुक्त राष्ट्र बने, लेकिन दिल्ली NCR के वर्तमान हालात कई सारे सवाल खड़े करते हैं। ऐसे दावों को लेकर सरकारी एजेंसियां और सरकारी तंत्र स्मॉग टावर जैसे टेम्पररी सॉल्यूशंस देश के अलग अलग कोनों में दिल्ली NCR में लेते हुए जरूर दिख रही है, लेकिन इससे वायु प्रदूषण को लेकर कितना बड़ा समाधान, परमानेंट समाधान निकल रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। दिसंबर के दूसरे हफ्ते में भी दिल्ली NCR में AQI लेवल खराब बना हुआ है। दिल्ली वालों को शुक्रवार को जरूर AQI लेवल के लिहाज से थोड़ी राहत मिली थी, जहां अगर हम AQI लेवल के ओवरऑल कैटेगरी की बात करें तो दिल्ली में स्थिति 249 था, जो कि पुअर कैटेगरी में है, यानी कि सांस लेने के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन नोएडा वालों के लिए स्थिति बेहद ही खराब, 448 यानी कि
वेरी पुअर से भी ऊपर सीवियर कैटेगरी, यानी कि वायु प्रदूषण सिर्फ दिल्ली एनसीआर की कोई स्पेसिफिक समस्या नहीं है, देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जिलों में वायु प्रदूषण की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और ऐसे में सवाल ये है कि आखिरकार इस बड़ी समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। वीडियो सहयोगी अभिषेक सिंह के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत संधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।